मैं हूँ सुनीता राय। देवी आई खुशियां लाई जी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। माँ दुर्गा अपने अलग अलग 9 रूपों में दुनिया को बताएंगी कि अधर्म पर धर्म की जीत का मतलब क्या होता है, कैसे आप अपनी जिंदगी के अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग पड़ावों को खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ ही विधि विधान से अगले 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। तो कैसे की जाए पूजा, इस बार शारदीय नवरात्र पर क्या है खास, और कैसे आप माँ की महिमा से तमाम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं या फिर माँ को खुश कर सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ 6 ज्योतिष जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं आचार्य भूषण कौशल, हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी भी जुड़े हैं, हमारे साथ श्रुति द्विवेदी हैं, इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रतीक भट्ट जी, हमारे पास सचिन शिरोमणि जी भी हैं, और साथ ही अश्विनी मंगल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी शैलेंद्र पांडे जी आपके पास, क्योंकि शारदीय नवरात्र पूरे साल इंतजार करते हैं हम, और एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि माँ दुर्गा जो कि शक्ति का स्वरूप है और हमें बताती है कि जीवन में धर्म का क्या महत्व है, आज उनके शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। तो कैसे इस शारदीय नवरात्र को और इसकी महिमा को हम और बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले आपसे। देखिए, नवरात्रि की बात अगर हम करें तो नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। टेक्निकली तो हम 2 बार की नवरात्रि को जानते हैं, चैत्र की वासंतिक नवरात्रि जो अप्रैल के महीने में तकरीबन आती है, और शरद की शारदीय नवरात्रि जो आश्विन के महीने में तकरीबन अक्टूबर नवंबर में आती है। इसके अलावा एक नवरात्रि आषाढ़ में भी आती है और एक माघ में भी आती है, जिसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा तौर से वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र की ही महिमा है। वासंतिक और शारदीय नवरात्र पर ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। शरद का समय एक ऐसा समय होता है जब प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रीष्म और वर्षा के बाद मौसम में बड़े बदलाव होने लगते हैं, और उस मौसम के बड़े बदलावों को देखते हुए इस समय कहा जाता है कि व्रत रखो, उपवास रखो, ताकि शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर में जो विष जमा है वो निकल जाए। इसके अलावा शरद की जो ऋतु होती है वो बेसिकली आनंद की ऋतु होती है। शरद का महीना एक अच्छा महीना माना जाता है। शरद में पूर्णिमा भी मनाई जाती है, जिसको धन की पूर्णिमा भी कहते हैं। तो शरद का संबंध देवी के साथ ज़्यादातर मामले में होता है, इसलिए शरद में जब आप देवी की पूजा करते हैं तो जैसा आपने पहले भी कहा कि जीवन के अलग अलग हिस्सों को हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 9 रूप हैं, और हर रूप की अपनी एक महिमा है, और हर रूप आपके जीवन के किसी खास समस्या से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप 9 दिन तक देवी की उपासना करते हैं, चाहे शारदीय में करें चाहे वासंतिक में करें, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करना चाहें कि नव दुर्गा का इस बार का नवरात्रि का मामला क्या है, तो मैं आचार्य भूषण कौशल जी से जानना चाहूंगा कि इस बार की नवरात्रि की खास बातें क्या हैं, क्योंकि कुछ तिथियों का भी लोचा है। हालांकि 9 दिन की नवरात्रि लोग बता रहे हैं, लेकिन इस बारे में वास्तविकता क्या है और क्या है, उस पर प्रकाश भूषण जी डालेंगे। भूषण जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद भ्राता श्री श्री शैलेंद्र पांडे जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं ये नवरात्रों के विशेष तिथियों के बारे में और मुहूर्त के बारे में छोटी सी बात करूँगा कि आज नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र का पहला दिन बड़ा ही शुभ होता है, तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ों पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, व्रत ज़रूर करें, और आज नवरात्र जो है वो अश्विन महीने का जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पहली तिथि है, और पहली तिथि को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और ये बुधवार से शुरू हो रहे हैं। तो इस बार जो है माता जो है, क्योंकि मुहूर्त का खास ख्याल रखना है, तो मुहूर्त का ख्याल ऐसे रखना है क्योंकि अभी 11:38 तक 2 चीज़ें हैं, एक तो चित्रा नक्षत्र है और वैधित्री योग है, और वो जब बीत जाएगा तभी मुहूर्त होता है कलश स्थापना का। तो 11:38 के बाद कलश स्थापना का मुहूर्त है, तो पहले दिन आपको कलश स्थापना ज़रूर करनी है, और उसके बाद जो है आपको उस अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत सबसे पहले अखंड ज्योत जलाएंगे, फिर कलश स्थापना करेंगे, और खेतरी बीजने के लिए आपने मिट्टी बालू इत्यादि तैयार किया है, जौ लगाएंगे और उस पर पानी छिड़क करके उसे बोएंगे, उसके बाद करेंगे माँ दुर्गा की स्थापना।
माँ दुर्गा को पांच चीज़ें बहुत पसंद है जो कि आपको करना ही पड़ेगा नवरात्र में। कहते हैं लाल रंग उन्हें बहुत पसंद है, तो लाल रंग की चुन्नी हो, लाल रंग की जो है आपके लिए मिठाई हो, लाल फल हो, लाल सिंदूर हो, लाल जो है नारियल पर भी कलावा बांध के और लाल कपड़ा बांध करके ही चढ़ाया जाता है, कलश के ऊपर रखा जाता है, लाल कलावा कलश के ऊपर बांधा जाता है। तो ये सब तैयारी आपने कर रखी है तो आपको 11:38 से ये आपको करना है। और उससे पहले हम आ गए हैं आपको बताने के लिए कैसे विधि विधान होगी। तो हमारे साथ 6 विद्वान आज जुड़े हुए हैं तो हम लोग सब लोग आपको बताएंगे। तो ये है, और दूसरा ये बात आ रही है तो दो तरह के विचार हैं। पहले नवरात्र में कुछ लोग, चूंकि द्वितीय तिथि का 6 हो गया है इसलिए कुछ लोग पहले ही दिन जो है, चूंकि सूर्योदय जो हो, अगला सूर्योदय जो होगा, जो कल सूर्योदय होगा वह तृतीय तिथि को होगा, उदया तिथि के हिसाब से कल तृतीय तिथि होगी, इसलिए बहुत से लोग पहले दिन ही दो नवरात्रि ने माँ दुर्गा की शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन ही कर रहे हैं। लेकिन एक विचार और भी है, वो ये है कि द्वितीय तिथि दूसरे दिन भी है इसलिए द्वितीय तिथि को ही तृतीय और द्वितीय दोनों इकट्ठे मनाएंगे। तो दो विचार है, आपके ऊपर है, आपकी जैसी आस्था दोनों कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। आप चाहे पहले दिन दो करिए या दूसरे दिन दो दुर्गाओं की पूजा पाठ करें, हमारे से कोई बंधन नहीं है। लेकिन पूजा तो 9 दिन करनी करनी है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पंचमी तिथि 2 दिन है तो आप पंचमी 2 दिन मनाइए, पांचवा नवरात्र, या फिर छठी तिथि भी 2 दिन है 2 दिन मनाइए, लेकिन कुल जब आप जोड़ेंगे पूरा 9 दिन आता है, 9 दिन आता है। और 19 तारीख को विजयदशमी है, 18 तारीख को महानवमी है, उससे पहले 17 तारीख को महाअष्टमी है। महाअष्टमी अगर आपको करनी है, कन्याओं को खिलाया जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, 17 को ही महाअष्टमी है, कन्या पूजन 17 को ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हमारा विचार, तो भी आगे बढ़ते हैं और शैलेंद्र अब आगे किसको जिसको बोलते हैं उसको। जी जी, देखिए ऐसा है कि नवरात्रि में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारी माताएं बहनों ने आज व्रत रखा होगा, कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं। तो व्रत रखने का विधान क्या है और व्रत रखने का सिस्टम क्या है, श्रुति जी आपसे जानना चाहूँगा कि 9 दिन का जो व्रत रखने का मामला है या 2 दिन का जो व्रत रखने का मामला है, क्या व्रत रखना जरूरी है, बिना व्रत रखे देवी की कृपा नहीं मिल सकती, ये व्रत का मामला क्या है? देवी पूजा जब होती है या कोई भी पूजा होती है तो सबसे बड़ी बात है भक्ति की भाव के, सबसे पहली बात तो ये हुई। और जैसा शैलेंद्र जी ने पहले भी बताया, क्योंकि ये जो 4 नवरात्रि आती हैं जिसमें से 2 प्रत्यक्ष हैं और 2 अप्रत्यक्ष हैं, इस समय पर मौसम भी बदलता है, तो व्रत रखने के एक तरीका ये भी होता है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, इसलिए हल्का आहार खाना ताकि एनर्जी लेवल ज़्यादा रहें, क्योंकि बाकी समय हमारा आहार जो है वो उतना नियमित नहीं रहता है। देखिए जब कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ में जाता है, साधना करता है, तो उसके जीवन में नियम की आवश्यकता बहुत पड़ जाती है ताकि वो एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़े, शरीर हल्का महसूस करे। हल्केपन लाने के लिए आहार को हल्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल लाइफ में अगर देखा जाए तो व्यक्ति फल फ्रूट इतना नहीं खाता है जितना व्रत के समय खाता है, शुद्ध चीज़ें खाता है, शुद्ध तरीके से बनाता है, नहीं तो आजकल जिस तरीके की जीवन शैली हो गई है उस तरीके से लोगों के पास समय नहीं है अपने लिए इतना निकालने का। तो ये जो 4 नवरात्र पड़ते हैं जिसमें 2 प्रत्यक्ष हैं, इसीलिए व्रत का महत्व होता है कि आप अपने बॉडी को नियमित रूप से डिटॉक्सिफाई कर पाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि व्रत देखिए त्यागना, कोई भी जप तप आप जब भी करें तो एक चीज़ त्यागी जाती है जो आपके सबसे प्रिय हो। यदि आप आहार त्यागें तो फलाहार पे आ जाते हैं, कई लोग निर्जला रखते हैं, कोई लोग सिर्फ लिक्विड डाइट जी, जी, रखते हैं। जी देखिए अगर हम माँ के 9 स्वरूपों की बात करें तो अलग अलग स्वरूप जीवन के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। आगे चर्चा में आप जान पाएंगे कि माँ शैलपुत्री स्वास्थ्य देती हैं, माँ कात्यायनी शीघ्र विवाह का वरदान देती हैं, माँ सिद्धिदात्री जीवन की हर मुश्किलों को दूर करती हैं, माँ स्कंद माता संतान का वरदान देती हैं। तो जीवन के अलग अलग हिस्सों से माताएं जुड़ी हुई हैं और नव दुर्गा के जो नव रूप हैं वो देखे जाएं तो आपके जीवन के 9 बड़े हिस्सों को कंट्रोल में करते हैं। चलते हैं प्रतीक भट्ट जी के पास और ये जानते हैं कि हर बार देवी अलग अलग वाहन से आती हैं और देवी के अलग अलग वाहन ये बताते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा नक्षत्रों के आधार पर। तो ये जानने की कोशिश करते हैं प्रतीक जी से कि इस बार माता किस वाहन पर आ रही हैं और इस बार की नवरात्रि का जो फल है वो हम सबके लिए कैसा रहेगा। प्रतीक जी, सरन जी आपने जैसे कि चर्चा करी, माँ के अलग अलग पहलू होते हैं और हर माँ का कोई ना कोई वाहन है,
जैसे अगर माँ शैलपुत्री की चर्चा करूँ, अगर बात करूँ तो उनका वाहन वृषभ है और ये हिमालय की पुत्री कही गई हैं और शिव की प्रिय हैं। और इस बार खास तौर पे माँ नौका पर सवार होकर आ रही हैं और ये इस बार बहुत खास हो चला है। नवरात्रि तो हमेशा ही अद्भुत थी और हमेशा ही हमारे लिए खुशियाँ लाती हैं, लेकिन इस बार की नवरात्रि अति महत्वपूर्ण हो चली है। अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। इस बार जब प्रतिपदा तिथि शुरू हुई तो नक्षत्र था चित्रा और तुला राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे थे। तो जो मंगल है उसका नक्षत्र जो चंद्रमा होता है, जब माँ नौका से आ रही है तो लकड़ी पे से ही नौका बनती है और वो चलती कहीं ना कहीं पानी में है और चंद्रमा तुला राशि में थे, तो ये सारा जो संयोग है वो अद्भुत है। चंद्र मंगल का जो ये पूरा संयोग बन रहा है इस बार नवरात्रि में वो अद्भुत है। और जैसा कि शैलेन जी ने बताया, हमारे अलग अलग जीवन के पहलुओं को हर माँ दर्शाती हैं, तो वैसे ही माँ शैलपुत्री मंगल ग्रह को दर्शाती हैं। तो इसीलिए निरोगी रहने के लिए, अच्छी वर प्राप्ति के लिए खास तौर पे माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसी के साथ साथ यथाशक्ति हो पाए तो ओम ह्रीम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप आज आप 1100 बार या 108 बार तो जरूर कर लीजिए। बिल्कुल। अब ये जानते हैं आचार्य अश्विनी मंगल जी से कि अश्विनी मंगल जी, इन्होंने बता दिया हमारे प्रतीक जी ने शैलपुत्री माँ के बारे में। अब दूसरा नंबर आता है माँ ब्रह्मचारिणी का, तो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और उनसे किस तरह के वरदान मिल सकते हैं? अश्विनी जी, जी माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। उनकी पूजा करने से हमारे जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही साथ यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह शीघ्र हो जाता है। आपके सारे के सारे कष्ट जो जीवन के हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, वो सब दूर होती हैं। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा स्वरूप है। कमल का पुष्प उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप कमल का पुष्प माँ ब्रह्मचारिणी जी को अर्पित जरूर करें। ये नवरात्रि बहुत ही खास दिन है। इन दिनों में यदि आप अपनी कुंडलनी को जागृत करने का प्रयास करें तो इसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का योग बहुत अच्छा है। प्रतीक भट्ट जी ने जिस तरह से बताया कि चंद्र मंगल योग है इन नवरात्रों में, और इस योग में यदि आप अपनी कुंडलनी को जागृत करने का प्रयास करेंगे, अर्थात अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, तो मन सात्विक होगा और साथ ही साथ कुंडलनी को जागृत कर पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि प्रतीक जी ने बताया, अश्विनी मंगल जी ने बताया कि देवी के जो अलग अलग स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री हैं उनका स्वरूप दूसरा है, माँ ब्रह्मचारिणी हैं उनका स्वरूप दूसरा है, और उनसे अलग अलग तरह के वरदान मिलते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि नवरात्रि में एक दिन पूजा किए, दो दिन नहीं किए। इसलिए नवरात्रि के हर दिन का एक अलग महत्व है। जो फायदा पहले दिन के पूजा का है वो फायदा तीसरे दिन का नहीं है, तीसरे दिन की पूजा का फायदा अलग है। इसलिए नवरात्रि में हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करना हम सबके लिए बेहतर होगा। सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी, माता का जो तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का और जो उसके बाद का स्वरूप है माँ कूष्मांडा का, इन दोनों स्वरूपों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इनसे किस तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, देखिए मित्रों, सभी लोग जान लीजिए जो शारदीय नवरात्र हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जब बात आती है शक्ति की, शक्ति का अर्थ ही होता है ऊर्जा, और माँ शक्ति का जब शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते हैं तो हम जब चर्चा करते हैं नौ देवियों की, तो तृतीय जो देवी की चर्चा होती है माँ चंद्रघंटा के रूप में होती है। चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटा बना हुआ होता है मन को एकाग्रचित करने के लिए। आपका चित्त यदि शांत नहीं रहता, आपके बालक का चित्त यदि एकाग्रचित नहीं है, उसका मन भटकाव की स्थिति में रहता है, तो कहीं ना कहीं चंद्र घंटा की पूजा करने के पश्चात आप सदमार्ग पर आपका बालक आ जाता है, उसका चित्त जो है एकाग्रचित होने लगता है। इधर उधर ध्यान की स्थिति यदि भटकाव की होती है तो ध्यान जो है केंद्रित होने लगता है। माँ को जो मुद्रा है माँ की, वो मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि माँ की जब आप चर्चा करते तो बहुत सौम्य स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति विशेष जब चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है तृतीय नवरात्रि पर, तो सारी मन की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, हो सके तो उन्हें आप लाल गुलाब के पुष्प अर्पण करें तो आपका मन का सोचा हुआ पुराने से पुराना कार्य, असंभव कार्य चंद्रघंटा जी की कृपा से बिल्कुल पूरा हो जाता है।
और मन के अंदर समाई हुई नकारात्मकता भी दूर होने लगती है। अब चतुर्थ शक्ति के बारे में बताऊं, मां कुष्मांडा अपनी मुस्कान के लिए पहचानी जाती हैं, यानी अपनी मंद मंद मुस्कान के लिए पहचानी जाती हैं मां कुष्मांडा। कुष्मांडा की जब हम चर्चा करते हैं तो वो भी देखिए, शक्ति की जब बात आती है तो आपके अंदर समाई भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, शक्ति अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है। तो आप करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको मां का व्रत करना है। कुष्मांडा मां की जब आप चर्चा करते हैं, उन्हें क्या प्रिय है, उन्हें हो सके तो शुद्ध देसी घी से बनी हुई मिठाइयां आप अर्पण करें, और उन मिठाइयों को नैवेद्य के रूप में जब आप अर्पण करेंगे ना, तो वो प्रसाद बन जाएगा। जब प्रसाद बन जाएगा तो छोटी कन्याओं के अंदर इस प्रसाद का आपको बांट देना है, वितरण कर देना है। मात्र ये छोटा सा उपाय करें, मां कुष्मांडा की असीम कृपा भी आप पर दिखाई देगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान करना है शक्ति का, एनर्जी का। और आपको बता दूं कि मां के इस शारदीय नवरात्र पर कोई भी मन का सोचा कार्य हो, किसी भी नवरात्र पर 9 के 9 दिन यदि आप देवी की दुर्गा सप्तशती का भी यदि पाठ कर लेंगे ना, तो आपके मन का सोचा कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि कुष्मांडा माता के बारे में बताया आचार्य सचिन ने कि उन्हें शुद्ध देसी घी की बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और माँ कुष्मांडा जानी जाती हैं आनंद के लिए, हास्य के लिए। इसलिए जिनको जीवन में डिप्रेशन होता है, जिनको जीवन में तनाव होता है, उनके लिए नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ दिन वैसे भी मन जो है वो अनाहत चक्र के निकट रहता है, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा बहुत अच्छी रहती है। अब आचार्य भूषण कौशल जी से जानते हैं कि जो स्कंद माता हैं, ऐसा हमारी चर्चा आचार्य जी से हुई थी कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाती है। तो आचार्य भूषण कौशल ये बताएं कि स्कंद माता की जो पूजा है, क्या उसको किस तरह से किया जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। जी धन्यवाद अनुज श्री शैलेन्द्र पांडे जी। देखिए बात यह है कि जो स्कंद माता है, पहले उसके स्वरूप को समझते हैं। स्कंद माता क्या होता है, स्कंद माता है, उनके हाथ में त्रिशूल तलवार है, लेकिन उनकी गोद में होता एक होता कौन है, कार्तिकेय जी होते हैं। स्कंद कार्तिकेय जी का नाम है। तो वो एक माँ का स्वरूप है जो एक बच्चा लेकर के अपने गोद में बैठी हुई हैं, वो होती है स्कंद माता। और जिन लोगों को संतान की कामना है या संतान के शिक्षा दीक्षा की और उनके आगे बढ़ने की कामना है, जिनके मन में मनोकामना वो पूरी होनी चाहिए, तो वो स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, और जिनको संतान चाहिए वो भी स्कंद माता की पूजा अवश्य करें। तो इनके स्वरूप को समझते हुए और इनको इनसे क्या मांगना है वरदान, ये भी आपको पता लग गया, तो ये जो है बहुत ज़रूरी। और स्कंद माता की पूजा करने से विद्या बुद्धि धन तीनों प्राप्ति होती है। और स्कंद माता को जो है वह आप क्या चढ़ाएं, देखिए स्कंद माता को आपको चढ़ाना है मिठाई के तौर पर, कोई सफ़ेद मिठाई आप चढ़ाएं या कोई पीली मिठाई चढ़ाएं, लड्डू इत्यादि चढ़ा सकते हैं, रसगुल्ला इत्यादि चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा केले का भोग माता को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि केला जो है गुरु का कारक है और संतान का कारक भी गुरु हो ग्रह माना जाता है, तो केले का भोग लगाएं आप। ओम स्कंद मात्रेय नमः, उनका मंत्र क्या होगा, जाप करना है आपको, ओम स्कंद मात्रेय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्कंद माता की पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है, और इसे अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल भूषण जी, जैसा आचार्य भूषण कौशल ने बताया कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में है, तो ऐसी दशा में स्कंद माता की पूजा अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है, कामना है आपकी, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग नव दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा नवरात्रि में करें, ताकि उनको संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके। अब हम जानते हैं माता कात्यायनी के बारे में। माता कात्यायनी को माना जाता है कि वो शीघ्र विवाह की देवी हैं। जिन बालिकाओं का, कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो माता कात्यायनी की पूजा नवदुर्गा के साथ करें, नवरात्रि में करें, तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है। कैसे करेंगे माँ कात्यायनी की पूजा, इस विषय में जानेंगे श्रुति जी से। श्रुति जी बताइए। धन्यवाद शैलेंद्र जी। देखिए माँ कात्यायनी जो छठी देवी हैं, जिन्हें षष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है, माँ कात्यायनी विवाह के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए सबसे ज़्यादा इनकी पूजा करी जाती है।
इनकी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है इनका श्रृंगार चढ़ाना, जो कि लाल रंग की वस्तुएं आप भेंट करें, सिंदूर, लाल रंग की साड़ी भेंट करें और इनसे जुड़े हुए श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना। लेकिन क्योंकि माँ कात्यायनी जो है सबसे ज़्यादा संबंधों से लेकर इनका जो है संबंध रहता है, इनकी पूजा के लिए ऐं रीं कात्यायने नमः इस मंत्र के द्वारा इनकी पूजा करी जाती है। रक्त चंदन इनको चढ़ता है, रक्त चंदन की माला से इनकी पूजा करी जाती है। जवा फूल इनका सबसे प्रिय रहता है वो करना, और सिंदूर चढ़ाने के जो इन्हें रहता है एक प्रक्रिया रहती है, जो इन्हें बहुत अच्छे से सिंदूर चढ़ाया जाता है और उसी प्रकार से जप किया जाता है। तो माँ कात्यायनी की पूजा जो है वो संबंधों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो महायोगिनी धीश्वरी कहा जाता है कात्यायनी देवी को।